अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं क्लास सिक्स के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं देवेश द्रोण और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल द्रोण स्कूल। आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे कि 2021 में यानी JNVST 2021 में आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन के लिए आप रिसोर्सेज कहाँ से लाओगे और देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है इस बार का। तो अगर आपको नहीं पता है, प्रीटी श्योर कि अगर आपने थंबनेल पर क्लिक किया है तो आपको JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में पता होगा। JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय, जिस टेस्ट के बारे में, जिस एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, ST मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 में जो होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि इससे पिछले साल, इसके पिछले साल जो टेस्ट होते थे जवाहर नवोदय विद्यालय के, वो एक ही फेज में कंप्लीट हो जाता था, यानी उसमें एक ही फेज रहता था। लेकिन पिछले साल से थोड़ा सा पैटर्न बदला है और ये दो फेज में एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, फेज वन एंड फेज टू। तो फिलहाल दो फेज कहने का मतलब यह है एग्जाम एक ही होगा, एक बच्चे का एग्जाम एक ही बार होगा, लेकिन स्टेट वाइज फेजेस हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का फेज वन में हो गया तो मेघालय मिजोरम वगैरह राज्यों का, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनका फेज टू में होगा। तो ऐसा नहीं है कि दो बार एग्जाम कंडक्ट होगा, कुछ बच्चों का फेज वन में होगा और कुछ बच्चों का फेज टू में होगा। तो इस बारे में आप बिल्कुल डाउट मत रखना कि एग्जाम दो बार होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ठीक है, आओ एक बात आप जान लो कि हर एक जिले में एक एक नवोदय विद्यालय होता है, किसी किसी जिले में दो भी होते हैं जिसमें ज़्यादा जनसंख्या होती है। लेकिन फिलहाल आप मानो कि हर एक जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है और एक नवोदय विद्यालय में 80 सीटें होती हैं, यानी हर बार जब भी सिक्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जब भी सिक्स क्लास का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो जो है 80 इंटेक लिया जाता है, यानी 80 बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। इन्हीं 80 सीटों पर आपको एक सीट हासिल करनी है। तो इस वीडियो में हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। देखो, नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन टेस्ट में बेसिकली तीन सेक्शन हैं। पहला सेक्शन है मैथमेटिक्स का, यानी मैथ्स गणित का सेक्शन है पहला सेक्शन, एंड द सेकेंड वन इज रीजनिंग, आप बोल सकते हो या फिर इसको बोल लो मेंटल एबिलिटी। सेकेंड सेक्शन है आपका मेंटल एबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं मानसिक योग्यता, हिंदी में इसको बोलते हैं मानसिक योग्यता। बड़े ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो को आप स्किप करते हो तो कई सारी जानकारी आपसे छूट जाएगी और एग्जाम आपसे मिस हो सकता है। चलो तो देखो, ये है थर्ड वन क्या है, लैंग्वेज का सेक्शन है। थर्ड वन जो सेक्शन है तीसरा वाला, वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में बेसिकली भारत में जितनी आधिकारिक भाषाएं हैं जैसे उड़िया, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बेसिकली फोकस कर रहा हूँ हिंदी या फिर इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। वो तो एग्जाम का जो माध्यम आप चुनते हो, जो भी लैंग्वेज चुनते हो उस माध्यम में आपको एग्जाम देना होगा। तो तीन सेक्शन होंगे, एक तो मैथ्स का, दूसरा मेंटल एबिलिटी का, तीसरा लैंग्वेज का सेक्शन। पहले सेक्शन में यानी गणित से आते हैं 20 प्रश्न, मेंटल एबिलिटी से आते हैं 40 प्रश्न यानी 40 क्वेश्चन, लैंग्वेज से आते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो होगा 1.25 मार्क्स का, 1.25 इसके, 1.25 इसके और 1.25 मार्क्स इसके। तो कितने में बताओ, ये 25 नंबर का ये हो गया, 50 नंबर का ये हो गया और 25 नंबर का ये हो गया। तो इस तरह से 25 प्लस 50 प्लस 25 यानी 100 नंबर का कुल टोटल पेपर होगा आपका, 100 नंबर का, ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा। आई बात समझ में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको जान लेना चाहिए कि इन तीनों सेक्शन में यानी मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज में आपको अलग अलग पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते हो तो आप फेल माने जाओगे। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि उन्होंने मैथ्स में अच्छे नंबर ला लिए, हिंदी या इंग्लिश में ला लिए, मेंटल एबिलिटी में अगर लटक गए तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात बड़े गौर से आप सुन लेना, ये पॉइंट नोट कर लेना कि आपको तीनों सेक्शन में अलग अलग पास होना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस बार हमारी, देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि मैथ्स जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। उसके बाद मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख भी दिया है मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज। लैंग्वेज बड़ा ही आसान पार्ट होता है लेकिन प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है इसको भी। सबसे पहले मैं लैंग्वेज की अगर बात करूं तो लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन आता है, मतलब पैसेजेस आते हैं इस तरह से, कुछ लिखा होगा ऐसे 5-6 लाइन का पैसेज, ज्यादा ही होता है थोड़ा, 10 लाइन का मान लो पैसेज लिखा होता है, जैसे हिमालय के बारे में लिखा हुआ है, सपोज करो आप हिमालय के बारे में, तो हिमालय की ऊंचाई कितनी है, हिमालय कहाँ स्थित है, यही सब चीजें छोटे छोटे प्रश्न इससे आ जाते हैं, मतलब पैसेज से आपको
चार पैसेज आएंगे लैंग्वेज में, ध्यान से देखना, चार पैसेज आएंगे, हर एक पैसेज में पांच पांच क्वेश्चन होंगे, यानी पांच गुणे चार ये 20 क्वेश्चन टोटल होंगे एक एक नंबर के, सॉरी 1.25 मार्क्स के, और टोटल 25 नंबर का वेटेज होगा। इसमें बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे समास वगैरह नहीं आते हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत नहीं, यानी रट्टा मारने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आपके रीडिंग हैबिट पे बेस्ड है, मतलब जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप पैसेजेस प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही अच्छी पकड़ आपकी इस पे बनती जाएगी, उतनी ही मास्टरी इस पे आपको हासिल होती जाएगी। बाकी अगर मैं मैथ्स की बात करूं, देखो बच्चा, अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट नहीं आता है, मैथ्स में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आता है। जैसे कि अब ये आप कह दो कि 8, 5, 3, 2 ऐसे गुड़े 4, 6, 8, 6, अरे अरे इस तरह कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैथ्स में जो है कैलकुलेटिव पार्ट नहीं आता है, ये फोकस करता है ना, ये आपके रीजनिंग को देखता है, ना कि कैलकुलेशन पार्ट को, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं ये लोग, इसमें जो है रीजनिंग या लॉजिकल पार्ट ज्यादा देखा जाता है। जैसे अगर कोई स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है मैथमेटिक्स में, कोई अगर स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, तो उसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में बदल पा रहे हो कि नहीं बदल पा रहे हो, आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आपका फंडामेंटल यानी बेसिक्स आपके क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। और जो नवोदय विद्यालय का सिलेबस है, जो भी टॉपिक्स हैं उसके अंदर में, मैथमेटिक्स के अंदर में, उनकी समझ आपको है कि नहीं है, बेसिक समझ आपको है कि नहीं है। कुछ क्वेश्चन होते हैं, 1-2 क्वेश्चन होते हैं कठिन, लेकिन मैं बताऊं आपको कि वो कठिन कुछ होते हैं छोड़ने के लिए क्वेश्चंस। मैं बताऊं, अगर 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ भी देते हो ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप बाकी क्वेश्चन सही करके आते हो। तो कुछ कठिन क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, तो उनकी भी मास्टरी मैं आपको कराऊंगा। हमने जो कोर्स डेवलप किया है, जो कोर्स डेवलप किया है, बिल्कुल इन डेप्थ कोर्स है, टोटल 250 वीडियो लेक्चर का। मैंने आपसे कहा था कि कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, तो जी द्रोण स्कूल का एक डेडिकेटेड कोर्स है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसमें 250 वीडियो लेक्चर है, जिसमें हमने मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी को कवर किया है। अब इन्हीं दोनों को क्यों कवर किया है, देखो ऐसा है कि लैंग्वेज का जो पार्ट है ना, बहुत ही आसान पार्ट है, मैंने कहा था कि मैं इसको यूट्यूब पे कवर करा दूंगा, बहुत डिटेल में कवर करा दूंगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मॉडल पेपर्स वगैरह मैं अपलोड करते रहता हूं, आप जानते ही हो। मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है ना, इसमें देखो, सबसे पहले ये मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा, इसको आपको समझाता हूं कि मेंटल एबिलिटी में आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो मेंटल एबिलिटी में ऐसा है कि मेंटल एबिलिटी में यानी मानसिक योग्यता में कुल मिलाकर के 10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 टाइप क्वेश्चन आते हैं मानसिक योग्यता में, जैसे कि समान आकृति वाला क्वेश्चन, ऑड मैन आउट यानी भिन्न आकृति छांटने वाला क्वेश्चन, तो इस तरह के सवाल आते हैं। 10 सेक्शन होते हैं, बहुत ही आसान आसान सेक्शन होता है। हर एक सेक्शन में यानी एक सेक्शन सपोज करो कि अगर समान आकृति का है, समान आकृति का पहला सेक्शन है यानी सिमिलर फिगर का, तो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन। इसी तरह के 10 टाइप होंगे, और 10 टाइप में 4×10 यानी कि 40 क्वेश्चन कुल मिलाकर के, सॉरी 4×10 यानी कि 40 क्वेश्चन कुल मिलाकर के होंगे इसमें। तो इसमें देखो ऐसा है ना कि समान आकृति जैसे एक कॉन्सेप्ट है, ये आपने सीख लिया, ऑड मैन आउट का एक कॉन्सेप्ट है, ये आपने सीख लिया, तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें सीखने को नहीं है, यानी 10 कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, बस वही 10 के 10 कॉन्सेप्ट है, बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर लेते हो। तो इस कोर्स में जो हमने JNVST के लिए कोर्स तैयार किया हुआ है, द्रोण स्कूल का कोर्स तैयार किया हुआ है, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड कोर्स, उसमें हमने मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। बाकी मैथ्स पे जो है ना, फंडामेंटल एंड बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, हमने इन डेप्थ कोर्स बनाया है। जो मैंने आपको बताया था कि 2-3 क्वेश्चन थोड़े कठिन आते हैं, उनकी भी मास्टरी मैंने इसमें कराई है, मैथ्स में जो है उनकी भी मास्टरी मैंने कराई है, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करके। क्योंकि बच्चे आप लोग छोटे हो, तो थोड़ा सा आपको ग्राफिक्स से ज्यादा समझ में आता है ना, एनिमेशन और ग्राफिक्स हो तो थोड़ा मजा आता है पढ़ने में। तो मैंने भी मैथ्स में जो है, जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं, पूरा ये डिजिटल कोर्स है, तो मैथ्स में जो क्वेश्चन हैं, जो मैथ्स में कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके और एनिमेशन का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे से समझाया गया है आप लोगों को। और बाकी मेंटल एबिलिटी में खूब सारी प्रैक्टिस आपको कराई गई है इस कोर्स में। अगर आप इस पेन ड्राइव कोर्स को मंगाना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, देख लो आप, वीडियो के नीचे जो नंबर दिख रहा है, उस पर आप व्हाट्सअप करके या फिर फोन कॉल करके हमें आप मंगा सकते हो। व्हाट्सअप आपको करना है, तो आप लिखो पेन ड्राइव कोर्स, लिख करके आप लिखो पेन ड्राइव कोर्स, ये पेन ड्राइव कोर्स लिख करके आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करो जो आपके वीडियो के नीचे चल रहा है। हम आपको डिटेल्स भेज देंगे, पेन ड्राइव कोर्स आपको कैसे मंगाना है, कैसे आप ले सकते हो पेन ड्राइव कोर्स। बाकी जो पेन ड्राइव कोर्स लेने के बाद आपकी इन डेप्थ प्रिपरेशन इन दो सब्जेक्ट्स पे हो जाएगी, बाकी हिंदी और या फिर इंग्लिश का जो सेक्शन बचेगा उसको मैं यूट्यूब पे कवर करा दूंगा। तो अगर आपको नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है 2021 के लिए, तो यही राइट टाइम है ये कोर्स मंगाने का। आप इन नंबरों पे फोन करके, जो नंबर वीडियो के नीचे आपको दिख रहा है, इन नंबर पे फोन करके द्रोण स्कूल का कोर्स मंगा सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो सके। चलिए आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।